तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम छोटे डीजे को कैसे चला सकते हैं। वो खुद चलेगा, उसमें आवाज़ भी आएगी, वो उसमें हम गाने बजा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एम्पलीफायर जो देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटा सा हमने घर पर ही बनाया है। इसके कनेक्शन घर पर करें, और ये इसमें एक लीड है जो फ़ोन में लगती है, और ये है यहाँ पे वॉल्यूम जो हम कम तेज़ कर सकते हैं आवाज़ को। तो दोस्तों, कैसा लगा एम्पलीफायर? ये हमने इस एम्पलीफायर को फ़िलहाल 8 इंची स्पीकर में सेट कर रखा है। आप इसको छोटे डीजे में आराम से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके कनेक्शन बता देता हूँ। कनेक्शन काफ़ी आसान है, तो शुरू करते हैं कनेक्शन भी। तो दोस्तों, देख लीजिए, इस प्रकार का ये है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर मिल जाएगा। और ये साइड में दिया हुआ है एक और। तो दोस्तों, ये वॉल्यूम और मैंने आपको बता दिया, ये लीड। तो इसके कनेक्शन काफ़ी आसान है जो मैं आपको बताऊंगा अब। तो गाइस, ये कनेक्शन थे, ये प्लस माइनस के और ये स्पीकर के दोनों। 12 वोल्ट जो कनेक्शन आता है इसमें डीसी मोटर का। और ये आपको अब कनेक्शन समझा देते हैं जूम कर कर। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो कनेक्शन है ये माइनस है जो डीसी मोटर का, और ये बीच वाला जो, और ये लीड का है जो आप 3 वायर निकलते हैं, एक यहाँ जोड़ दीजिए। और ये दोस्तों, ये स्पीकर का प्लस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों। और इसके बीच का है जो दोस्तों आपको इनके दोनों के बीच का दिख रहा होगा, वो है हमारा प्लस, जो कि 12 वोल्ट का प्लस है। और ये लाल और ब्लू जो आपको तार दिख रहे हैं वो इनका है। और लीड का एक तार दोस्तों कैपेसिटर के जो माइनस पॉइंट है उस पर लगेगा, और जो प्लस पॉइंट है वो हमारे इसके जो वॉल्यूम है उन पर लगेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी आसान कनेक्शन है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आसान कनेक्शन है एकदम। और नहीं समझ आते तो देख सकते हैं आप। और ये वॉल्यूम के हमने सिर्फ 2 कनेक्शन ले रखे हैं, 3 होते हैं, हमने 2 ही ले रखे हैं। एक कैपेसिटर में जा रहा है और एक इस लीड में जा रहा है। और लीड का जो एक तार है वो हमने ऐसे छोड़ रखा है। तो दोस्तों, कनेक्शन समझ आ गया होगा अब इसको फटाफट। हम दोस्तों, इसको मैंने अभी छोटे स्पीकर के कनेक्शन कर दिए। ये तो 12 वोल्ट के तार है जो इसको हम 12 वोल्ट में जोड़ेंगे, और ये जो लाल और ब्लू तार है इनको स्पीकर में जोड़ेंगे। तो दोस्तों, जोड़ते हैं इनको फटाफट से, तो और आपको बताते हैं। दोस्तों, हमने 12 वोल्ट डीसी में जोड़ लिया है दोनों तार को, और स्पीकर के तार भी जोड़ लिए हैं, और ये लीड जो है चालू हो चुकी है। दोस्तों, आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको इसको बजा कर दिखा देता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों, हमने इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप, सारा काम सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको चालू करते हैं। तो दोस्तों, अब ये हम चालू करने वाले हैं, आवाज़ हम धीरे रखेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे आवाज़ को। दोस्तों, ये चालू हो चुका है, आपको धीरे आवाज़ आ रही थी, तो धीरे धीरे हम तेज़ करते हैं आवाज़ को। तो दोस्तों, आवाज़ हो चुकी है थोड़ी थोड़ी तेज़। कैसे लगा दोस्तों आपको आवाज़, और सारा जो जो भी कुछ करा है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप इसको आसानी से अपने डीजे में लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्पीकर वर्क कर रहा है एकदम अच्छे से। ये दोस्तों पुराना स्पीकर है बहुत, इसलिए थोड़ा मतलब बाउंस नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा चल नहीं रहा है ये। पर दोस्तों, काफ़ी अच्छा है स्पीकर, आप नया लगाओगे तो। मैं गाइस इससे 8 इंच स्पीकर चला रहा था, ये आपको हम वॉल्यूम टेस्ट करके बताते हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप। तो इसको हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दी है अडैप्टर चार्जर से, और स्पीकर जोड़ा है हमने ये फ़िलहाल तो छोटा।